हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम के सिसोदिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योग और आयुर्वेद। माय डियर फ्रेंड्स, आज इस चैनल पर आप आईमोन के नए अपडेट्स के बारे में जानेंगे। ये नए अपडेट्स क्या हैं, उनको जानने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे द्वारा डाले गए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए करते हैं शुरू। 29 जनवरी 2021 के क्या है नए अपडेट्स? अच्छा, सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आज रात से कुछ आईएमओन में एक बड़ा चेंजेस किया गया है, लेकिन बड़ा चेंजेस को ऐसा बड़ा समझ के ना करें, वो एक अच्छे उज्ज्वल भविष्य के लिए हम लोगों ने सारा चेंजेस किए हैं। ठीक है, मैं आप लोग जो भी लोग घर पर हैं या ऑफिस में बैठे हैं या मोबाइल पर हैं, मैं चाहता हूं कि मैं जो आज बोलने जा रहा हूं आप लोग उसको ध्यान से या तो समझ लें और साथ में कोशिश करो कि आप लोग उसको लिख लो, क्योंकि आज ज्यादा बात करने से अच्छा है कि हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पे बात करेंगे। तो कृपया करके 2-5 सेकंड आप लोग ले लीजिए, मैं थोड़ा रुक के बोलता हूं, तब तक आप लोग पेन कागज अपना लिख लीजिए और कोशिश करो कि अपने टीम में डाउनलाइन जो भी है उन तक सभी तक मैसेज को पास करें और अच्छे से हम लोग काम करें। सिस्टम में जो भी उतार चढ़ाव आया वो सभी को भी पता है, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है और सिस्टम को आगे ले जाने के लिए कैसे कैसे काम किया जाएगा उसके ऊपर पूरा तैयारी कर लिया गया है। प्लान में पहले कुछ दिनों में काफी बार चेंजेस हुए हैं, तो आज पहला ही लाइन आपको कह दे रहा हूं, जो प्लान अभी बना है ये प्लान शायद बहुत अच्छा प्लान बना है, क्योंकि बहुत लीडर हमारे साथ में है, बहुत सारे डाउनलाइन हमारे साथ में है जिन्होंने थैंक्स कहा है और इसके ऊपर अब काम चालू होने जा रहा है। अब प्लान चेंज नहीं होगा, प्लान अगर चेंज भी होगा तो प्लान को आसान बनाया जाएगा, हार्ड नहीं बनाया जाएगा। याद रखिएगा, हार्ड नहीं बनाया जाएगा और जितने भी बंधने लगे, जितने भी कंडीशन लगे वो सब कंडीशन हटाए जा रहे हैं, जो मैं धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करते जाओ। थोड़ा मैं भी पेन कागज एक मिनट ले लेता हूं मुझे। अच्छा, अब मैं शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए आप लोग। पहला तो ये कि आप लोग जिस बेस पर काम करें, नंबर वन पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, नंबर वन पॉइंट, आप लोग जिस बेस पे आईमोन के परिवार में जुड़े थे, जिस बेस पे आप लोग फील्ड में जाकर लोगों को आईमोन के बारे में बताए हैं, मैं बात कर रहा हूं आईमोन इंडियन सोशल मीडिया की, वह ऐप अभी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, हमने यहां से बंद कर रखे हैं। ठीक है, उस ऐप पे पूरी तरह से काम हो रहा है और उसके साथ में जितने भी ऐप हैं वो सभी ऐप को और बेहतर बनाया जा रहा है और ये बहुत ही नहीं लगेगा, कुछ ही समय में ये हो जाएगा। मैं डेट टाइम नहीं बता रहा हूं कि कितना दिन लगेगा, बहुत ही नहीं, बहुत कम टाइम में चालू हो जाएगा। अपना व्हाट्सएप ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करो कि यूज करो, क्योंकि व्हाट्सएप लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, वॉइस कॉल वीडियो कॉल बंद करके रखा गया है, आगे हम इसे अच्छा कंटिन्यू चालू करेंगे। तो जो पहला पॉइंट यही है कि जितने सारे अपने एप्स हैं, ई कॉमर्स को भी हम इसी में इंक्लूड कर रहे हैं, ये सभी चीजें आपको कम समय में सब प्रॉपर चालू हो जाएगा और आप मार्केट में अच्छा लोगों को बता भी सकते हो और जो हमारा रेवेन्यू आ रहा था वो रेवेन्यू और बढ़ जाएगा। नंबर वन पॉइंट, इस चीज को आप लोग मार्केट में बता सकते हो कि जो ऐप ओपन नहीं हो रहा तो उसके ऊपर काम चल रहा है, ये नंबर वन पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिएगा कि सभी एप्स को सही किया जा रहा है। अब आ जाइए आप लोग नंबर टू पॉइंट्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म चालू हो रहा है वो सिर्फ जो मेंबरशिप लिए हैं उन्हीं के लिए ही नहीं होगा, इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी शॉपिंग कर सकता है, कोई भी शॉपिंग, चाहे मेंबरशिप लिया हो चाहे ना लिया हो। तो ये पोर्टल आपको डेट टाइम ना बता के सरप्राइज के तौर पे लाइव कर दिया जाएगा, लाइव हो चुका है, बस इसमें और बेहतर करके लाइव करने जा रहे हैं विद इन टाइम, बस इतना समझिएगा। ये हो गया ई कॉमर्स। नंबर तीन, आईमोन सिनेमा, आईमोन वॉच, आईमोन ट्रिप, इसे भी हम लोग अच्छे से लॉन्चिंग कर रहे हैं, होटल वगैरह कनेक्टिंग पूरा चालू हो चुका है। ये हो गया पूरा, हम एप्स के बारे में शॉर्टकट में आपको क्लियर कर दिए हैं। अब नंबर फोर आ रहा है, नंबर फोर, अब हम लोग पॉइंट्स की बात करते हैं। अब पॉइंट्स मेन, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब तो अभी एप्स के बारे में बात हो रहा था, ई कॉमर्स के बारे में बात हो रहा था। नंबर फोर, जो हम लोग ने अभी नया कुछ बदलाव किए हैं, चेंजेस किए हैं, उसके ऊपर ध्यान से सुनिएगा।
अभी जब आप डैशबोर्ड ओपन करते हो, ध्यान से सुनेगा, जब आप डैशबोर्ड ओपन करते हो तो आपको पहले एक वॉलेट दिखाई देता था, अब आपको वहां पर तीन वॉलेट दिखाई दे रहा है। तीन वॉलेट, पहला वॉलेट है जो पॉइंट्स का है, जो पहले आप लोग यूज करते थे, विड्रॉल लेते थे और जो भी वहां से काम होता था, माइनस प्लस पॉइंट्स, टिकट रेस के पॉइंट्स, सब कुछ वहीं पर आते थे। दूसरा हमने बनाया लाइव पॉइंट्स। लाइव पॉइंट्स, लाइव पॉइंट्स का मतलब हुआ एक तरह से ऐसे ही समझो पॉइंट्स जैसे पुराना वाला था वही वाला लाइव पॉइंट्स है, समझ लो। लेकिन लाइव पॉइंट्स आज रात के 12 बजे से चालू हुआ है, आज से, यानी जिन्होंने आज अपना डेली पॉइंट्स या लेवल इनकम पे बटन पर क्लिक किए हैं तो उनका पॉइंट्स डायरेक्टली लाइव पॉइंट्स में गया है, ठीक है, पुराने पॉइंट्स में नहीं गया है, ठीक है। तीसरा बटन है हमारा पिन वॉलेट। पिन वॉलेट बहुत लोगों को पता है कि पिन वॉलेट क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आईमोन ने भी अब पिन वॉलेट चालू कर दिया है। यानी आपको जो डैशबोर्ड में पॉइंट्स, लाइव पॉइंट्स, पिन वॉलेट दिखाई दे रहे हैं, ये तीन बटन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये पॉइंट्स जिनके पे आउट्स या जिनके लेबल इनकम, जिनके एडीएस पॉइंट्स बहुत लोगों के थे, आज उनके लाइव पॉइंट्स में गया है। यहां पर बहुत लोगों के वॉलेट में बहुत सारा पॉइंट्स पड़े हुए थे, वो लाइव को पुराने पॉइंट्स में डाल दिए गए हैं। अब मेन सबसे बड़ी बात, पांचवा, इसको हम एक डिस्क्रिप्शन देके पांचवा नाम देते हैं, उनके लिए हम पांचवे पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। ध्यान रखे, पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा नंबर, फिफ्थ पॉइंट। मार्केट में इन्हीं को लोग गलत भी बता सकते हैं और सही तो बताएंगे ही बताएंगे, तो ध्यान से सुनो जो पांचवा पॉइंट है। जिन्होंने मेंबरशिप लिया था, चाहे वो 10 दिन हुआ है, चाहे 15 दिन हुआ है, चाहे 5 दिन हुआ है, चाहे 2 दिन हुआ है, उन्होंने विड्रॉल लिया, चाहे कल विड्रॉल लिए थे, चाहे विड्रॉल नहीं लिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये उनके लिए बात हो रहा है जिन्होंने नई आईडी 1500 रुपया लगाए थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर उनका 3000 पॉइंट्स नहीं बना है, ध्यान से सुनिएगा, जिनका 1500 रुपया लगाए थे बट वो 3000 पॉइंट्स अभी तक नहीं बना है, बीच में विड्रॉल लिए हैं, उनके भी सारे पॉइंट्स अभी, ध्यान से सुनेगा, अभी पुराने पॉइंट्स के बटन में वॉलेट में पड़ा हुआ है। अभी आज आप रात के 12 बजे आपको वो चीज नहीं दिखाई दिया, आप लोगों को लगा होगा यार कल तो मेरा 25 पॉइंट था, या परसों मेरा, या 10 दिन पहले तो मेरा इतना पॉइंट्स था, तो कंपनी ने तो पूरा पॉइंट्स तो पुराने में डाल दिया, तो यार मैं तो विड्रॉल भी नहीं मारा था 10 दिन, अब मुझे तो फिर से 500 कर जमा करने के लिए फिर से 20 दिन लगेगा, यानी यार मैं तो निकाल ही नहीं पा रहा हूं, कंपनी प्लान पे प्लान ला रही है। तो आप लोग ध्यान से सुनो, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने विड्रॉल अगर लिए थे या नहीं लिए थे, आपका पॉइंट्स जितना भी बना था, जितना भी बना था, उनका पॉइंट्स लाइव पॉइंट्स में डाला जा रहा है। आज एक जूम मीटिंग होगा, कुछ लोग आए हैं, इनसे मुलाकात होगी, ये लेट टू लेट होगा, लेकिन 12 बजे रात के पहले ये सब सही कर दिया जाएगा। मीन्स शॉर्टकट में आपको एक ही लाइन में, जिन्होंने 1500 का मेंबरशिप लिया, उनका पॉइंट्स जो भी बना था वो पॉइंट्स के वॉलेट में था, लेकिन वो पॉइंट्स आज रात के 12 बजे के पहले वो सारे पॉइंट्स उनके लाइव पॉइंट्स में आ जाएंगे, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये हो गया लाइव पॉइंट्स का बात, अब शायद आप लोग समझ गए रहेंगे, जाएगा जो 1500 लगाए थे लेकिन 3000 तक वो नहीं पहुंच पाए थे, तो उनका जो भी बना था वो लाइव पॉइंट्स में आ जाएगा। ये हो गया पांचवा नंबर, एकदम क्लियर। अब मैं आ रहा हूं छठवें नंबर पे। छठवां नंबर, जो जिन्होंने 3000 से ज्यादा पॉइंट्स पाए थे, जिन्होंने भी, कोई भी हो, तो उनका सारा पॉइंट्स इस समय पुराने पॉइंट्स में है। ध्यान रखिएगा, वो चाहे 3000 से लेके 10000 तक होंगे, उनके सारे पॉइंट्स कल तक के डाल दिए गए हैं पुराने पॉइंट्स में। हो सकता है जैसे कि कंपनी में कुछ दिक्कतें आई थी, तो 7 तारीख से बीच में विड्रॉल भी चालू हुआ था, बहुत लोगों ने विड्रॉल भी लिया है, और तो उनका पॉइंट्स हो सकता है कि जब पे आउट है 500 बन, तो हो सकता है 10000 जब भी उनके उसको डाल दिया गया है पॉइंट्स, तो कॉपरेट करो आप भी, यानी 3000 से 10000 वाले तक की आप लोगों के पॉइंट में डालेंगे, ये नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जूम पर आज जो बातें हो रही है मैसेज वायरल नहीं होगा, क्योंकि लोग एडिटिंग कर सकते हैं, तो आपके पॉइंट्स को ऊपर पॉइंट्स रखा गया है। इसका बेनिफिट क्या है वो आप देखिए। आज अगर सोचोगे यार तो पॉइंट्स इन्होंने ओल्ड में डाल दिया, आप मैं इसको
निकाल भी नहीं पा, क्या करूंगा इस। तो यार ध्यान से अच्छा डिसीजन लिया है कि आपके पॉइंट्स में सर कितना, किसी में 20,000 हो सकता है, किसी में 30,000 पॉइंट्स हो सकता है। तो की बात कर रहा हूं मैं, जो छोटे लोग हैं जिनका पेआउट रुका था, बीच में निकाले होंगे तो थोड़ा बहुत कम हुआ होगा पॉइंट्स, आप लोग ईट पे यूज होंगे। ध्यान से सुनो, ईट पे यूज करोगे वो भी आपको कंपनी हर मेटेरियल एवरी मेटेरियल पे 25% डिस्काउंट देगा, 25। यानी आप अगर 10 प्रोडक्ट खरीदते हो, आपके वैल्यू समझो 10,000 पॉइंट पर आओ, एवरी प्रोडक्ट 25% बचा लो, यानी 10,000 में 2,500 रुपया आपका ऐसे ही ऑफ हो जाएगा। कंपनी सभी के लिए क्या काम किया है, आपको ई कॉमर्स के लिए कंपनी कोई भी जबरदस्ती 10 सेंट एक्स्ट्रा नहीं काटेगा, यानी आप विड्रॉल करो या भी करो तो 15% ही देना पड़े। ध्यान से सुनो, कंपनी ने 25% बीच में लगाया, डिसीजन लिया, मैनेजमेंट की डिसीजन लिया, कुछ डाउनलाइन की बातों को समझा गया और कुछ लीडरों की भी बात गया, तो 10 कंपनी ई कॉमर्स पे नहीं काटेगी, आपका परसेंट ही। लेकिन आपके हुआ इसलिए कंपनी आपको 25% का आपको बेनिफिट देगा ई कॉमर्स के हर एक प्रोडक्ट पर, हर पर सर। तो आप वहां से ई कॉमर्स पर जा सकते हो, ई कॉमर्स 10 दिन 20 दिन एक महीना होगा ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं। और तौर पे भी बता देता हूं ताकि आप लोगों को भी इस मैसेज को समझ सको कि जा रहा है, क्योंकि लोग नहीं तो ऐसा कहेंगे यार कंपनी 500 रुपए की चीज को 5,000 में बेचेगा तो यार मेरा तो 4,000 ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, मौन ऐसा नहीं करे। आपको एक उदाहरण, घर पर आपके पंखे लगे होते हैं, सीलिंग फैन, एंड आपको बहुत अच्छा तो 2,500-5,000 नॉर्मल जो फैन वहां पे लगते हैं वो 900-1,200-1,500 रुपए में मैनेज हो जाता है अंदर के थ्रू। वो फैन कंपनी को है, हाँ ध्यान से सुनो, हमें जो हमारा प्रोडक्ट रेडी हुआ है 300-400 रुपए के बीच में अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी से आपको ज्यादा महंगा नहीं, पूरी चार्जेस एक तरह से गवर्नमेंट के कुरियर सर्विसेस लेते हैं और वो जो पेमेंट कटेगा वो के कंपनी समझ लो आपको मिनिमम 10-20% एक प्रॉफिट आप समझो 500-600 में देगी, यानी आपके पंखे को हम 1,200 रुपए में 600 में ही दे रहे हैं, तो आपका पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में इस्तेमाल होगा। तो ध्यान, कंपनी आपका 10% नहीं, कंपनी को अगर कोई प्रॉब्लम होता, मैं कुछ गलत वर्ड नहीं कुछ कर रहा हूँ, कि अब हमें आगे बढ़ना है तो आप 10% कटेगा, आपके पुराने पॉइंट्स यूज कर सकते हो ई कॉमर्स में। माय डियर फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी अपने 3,000 पॉइंट्स विड्रॉल कर लिए हैं उसके बाद उसको डेली इनकम 25 पॉइंट नहीं दिए जाएंगे। पॉइंट्स विड्रॉल मिनिमम 500 रुपए रहेगा। पॉइंट विड्रॉल का समय सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक का रहेगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक 500 से लेकर 3,000 तक के पॉइंट्स ले सकते हैं, वो भी 500 के मल्टीपल में। 3,000 एक से 6,000 तक के पॉइंट्स दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक ले सकते हैं, वो भी 1,000 के मल्टीपल में। 6,000 एक से 9,999 तक के पॉइंट्स शाम 3 बजे से शाम 6 बजे तक ले सकते हैं, वो भी 1,000 के मल्टीपल में। 10,000 एक से अधिक लेने वाले यूजर्स शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक विड्रॉल कर सकते हैं। आप 10,000 से ऊपर लेने वाले यूजर्स आप 5,000 ही पॉइंट्स विड्रॉल कर पाएंगे, बाकी के पॉइंट्स आपके पिन वॉलेट में चले जाएंगे। वहां से आप किसी की आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं, ई कॉमर्स में यूज कर सकते हैं, 11 में यूज कर सकते हैं, किसी को पॉइंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सब आप
वहाँ से यूज कर सकते हैं उन पॉइंट्सों को। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको सब कुछ सही सही बताने की कोशिश की है। अगर मेरे बताने में कोई चूक रह गई है, कमी रह गई है, तो मुझे क्षमा करना। और मैंने अपना रेफर कोड और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई सवाल है, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को आईडी लगानी है तो मेरे रेफर लिंक पर क्लिक करके वहां से आईडी लगा सकते हैं और आईमोन को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आईमोन बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करने वाला है, लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला है। ऐसा सिस्टम आ चुका है जो आप याद करेंगे हमेशा हमेशा के लिए। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत और जय आईमोन।